हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पाइथन सीखने की इस सीरीज़ में। और आज हम सीखने वाले हैं पाइथन में स्टार पैटर्न प्रिंट कराना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना पाइथन का जो आईडीई है उसे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका जो भी हो आप इसे ओपन कर लें। आपके पास नहीं है तो इसे आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर समझना है कि पैटर्न प्रिंट कराना है। तो पैटर्न प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट। ठीक है, स्क्रीन पे हमें क्या नज़र आना चाहिए? स्क्रीन पे हमें नज़र आना चाहिए एंटर द नंबर ऑफ लाइंस, यही स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया, इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया, बंद किया इसे, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम एक वेरिएबल चूज बनाएंगे n नाम का। तो n नाम का वेरिएबल हमने बना लिया, n इज इक्वल टू इंट, इंटीजर हमने लिया है डेटा टाइप, और यहाँ इनपुट करवाएंगे। जो भी इसमें नंबर हम इनपुट करेंगे वो इसी में आके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको कर देना है क्लोज। ठीक है, और जो हमारा ब्रैकेट था उसे कर देना है क्लोज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लोज हो गई। अब नीचे आएंगे तो यहाँ एक लूप लगा लेते हैं, हम फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप लगा लिया हमने। अब यहाँ पे एक वेरिएबल और आई बना लेंगे और इन रेंज लगा देंगे फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ीरो। ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और एन तक। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे कोलन। नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करना होगा, और बहुत सावधानी से यूज़ करिएगा। ठीक है, और जो बात मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। पहली बार में स्पेस प्रिंट करना है तो सिंगल इंटेड कॉमा लगा लीजिए और यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए स्पेस। तो स्पेस प्रिंट करवाने के बाद आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका? इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एन माइनस आई का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एन माइनस आई। ठीक है, तो ये n माइनस आई का इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप। n माइनस आई ही लिखना है आपको और कुछ नहीं लिखना है। तो n माइनस आई लिख दिया हमने, और अब इस यहाँ पर हमें कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद फिर हमें अब स्टार प्रिंट कराना है। तो एक बार स्टार और एक बार स्पेस प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब स्टार प्रिंट कराने की बारी है। तो डबल यूनिटेड कोट्स में यहाँ लिख देंगे स्टार, सॉरी सिंगल यूनिटेड कोट्स में स्टार लिख देंगे। तो यहाँ पर बना दिया हमने स्टार, और एक बार और लगा दिया सिंगल यूनिटेड कोट्स। जो लगाया था हमने पहले ओपन किया था उसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे इनटू करिए। ठीक है, और इनटू करिए इसमें आई प्लस वन करिए। ठीक है, वहाँ पर एन माइनस आई किया गया था। ठीक है, और अब आपको करना है आई प्लस वन। तो यहाँ पे कर दीजिए आई प्लस वन। तो ये मैंने आई प्लस वन कर दिया। अब एक बढ़ता जाएगा ये। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप टू का। ठीक है, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और दो से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दीजिए इसमें वन। ठीक है, और बंद कर दीजिए ब्रैकेट को। ब्रैकेट को बंद करने के बाद इसको सेव कर लीजिए फाइल को। यहाँ से मैं सेव करता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ। डॉट पी वाई लगाना मत भूलिएगा, वैसे नहीं भी लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब इसको रन करवाने की बारी है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है एंटर द नंबर ऑफ लाइंस। चलो एंटर करते हैं थ्री लाइंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीन लाइनों का पैटर्न प्रिंट होकर आया है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को जब आप दोबारा रन करवाइएगा, ठीक है, जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ, अब यही प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, अब इसको मैं अगर रन करवाता हूँ यहाँ से, तो ये फिर पूछेगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स। तो अगर मैं सेवन लाइन एंटर करता हूँ तो यहाँ सात पिरामिड पैटर्न प्रिंट होकर आ जाएगा हमारे सामने। आई होप कि ये पाइथन वाली वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।